मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक रोज आता रहा, रोज जाता रहा। तुम गजल बन गई, गीत में ढल गई, मंच से मैं तुम्हें गुनगुनाता रहा। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग के द्वार तक। मित्रों, पैंगोंग लेक को यदि स्वर्ग का द्वार कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। वास्तव में यह सुंदर से स्वर्ग के ही समान है। तो हमारी पैंगोंग की यात्रा शुरू हो चुकी है। यदि आप लेह में ठहरे हैं और आपको पैंगोंग एक ही दिन में जाना आना है तो आप 10 घंटे का समय इसके लिए निकाल लें। आने जाने में कम से कम 10 घंटे का समय लगेगा और 1-2 घंटे आप वहाँ पर बिता भी सकते हैं। तो वास्तव में पूरा का पूरा रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ है। जैसे ही बर्फ पर हमारी गाड़ी पहुँची, पहिए चलने बंद हो गए क्योंकि अब यात्रा हमें बर्फ पर करनी थी। किसी तरीके से ड्राइवर ने जंजीर बांधी टायर पर और फिर गाड़ी शुरू हुई। लेकिन इस बीच में हमने कई सारे सेल्फी लिए, फोटो लिए और कई सारे वीडियो बनाए और वहाँ पर सुंदर दृश्यों का आनंद उठाया। अब हमारी गाड़ी लगभग ठीक हो चुकी थी एवं चलने के लिए तैयार थी। तो अब पुनः हम अपनी यात्रा शुरू किए एवं बीच में कुछ कुछ नए करतब भी करते रहे एवं पूरी की पूरी यात्रा का आनंद उठाते रहे, बीच में गुनगुनाते रहे, गाते रहे ताकि ये यात्रा बोरिंग ना हो। आप भी जाएं तो कैमरा उठा लें और सुंदर सुंदर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है पोलर बियर मिल जाए आपको रास्ते में, कई सारे वहाँ के डियर्स मिल जाएं, कई सारे पशु पक्षी मिल जाएं, तो उसको तुरंत अपने कैमरे में कैद करने के लिए तैयार रहें। अब हम आ चुके हैं विश्व के दूसरे सर्वोच्च पास पे, अर्थात चांगला पास के पास हम लोग आ चुके हैं एवं वहाँ के दृश्य का मजा उठा रहे हैं। पास या दर्रा वह स्थान होता है जहाँ से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। रास्ते में कुछ ऐसे जीव जंतु मिले जिनसे अपने आप खासा प्यार हो गया, उनके साथ सेल्फी लिया और खूब मजे लिए और वो भी काफ़ी आराम से बिना डरे हमारे साथ समय बिता सका। इस यात्रा में मित्रों ऐसे क्षण आते हैं तो आप बिल्कुल ही ना चुके। अब हम लोग पैंगोंग लेक की ओर बढ़ रहे हैं और बीच बीच में ग्लेशियर्स, छोटे मोटे ग्लेशियर्स मिलते गए जिनका पिक्चर फोटो हम लोग लेते रहे। मित्रों याद रखिएगा, साथ में आप लोग चाय या कॉफ़ी भी ले लें। अब हम लोग पैंगोंग लेक आ चुके हैं। वास्तव में देखते ही लगता होगा कि यह सुंदर से स्वर्ग के ही समान है। बर्फ की चादर दूर दूर तक फैली हुई है। हालांकि हमारी ये यात्रा 13 अप्रैल 2021 को थी, इसलिए बर्फ की चादर पूरी तरीके से ढकी हुई थी। यदि आप जुलाई और अगस्त के महीने में आएंगे तो ये झील पानी से भरा हुआ मिलेगा एवं इसकी जो सुंदर प्रतिकृति आपको दिखाई पड़ेगी वो मन खुश कर देगी। लेकिन स्नो ट्रेकिंग करना भी अपने आप में काफ़ी लाजवाब था और बहुत आनंद आया इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। जमुना यहाँ, नर्मदा और कृष्णा यहाँ, गंगा यहाँ, जमुना यहाँ, नर्मदा और कृष्णा यहाँ, गलवान का यहाँ शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है, यह राष्ट्र 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 है, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, जैन बौद्ध और ईसा यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, जैन बौद्ध और ईसा यहाँ,
अल्लाह का अरमान है, श्री राम का यह वास है, यह राष्ट्र 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 है, कि मानेकशॉ की शायहाँ हामिद के तोपों की गर्जन, परमवीर सोमनाथ शर्मा की अतुल जयकार है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, वेद पुराण गुरु ग्रंथ बाइबिल और यहाँ कुरान है, वेद पुराण गुरु ग्रंथ बाइबिल और यहाँ पुराण है, लोकतंत्र की अमृत धारा और यहाँ संविधान है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है, भारत माता की जय, जय हिंद। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर गाना अपने आप में रोमांचकारी था और ऑक्सीजन का लेवल वहाँ इतना कम था, सांस लेने में इतनी दिक्कतें आ रही थी कि कुछ कहा ना जाए। जब हम वहाँ से लौटे तो लौटते हुए कई सारे बीच में डेजर्ट मिले, कुछ नदी घाटियाँ मिली, बर्फीली ठंडी नदी घाटियाँ, उसका भी हम लोगों ने लुत्फ उठाया और वहाँ पर चाय पिए रुक कर के। आप भी जाएँ तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चाय पीते रहें, यदि आपको गाना आता है तो गुनगुनाते रहें। मित्रों, पैंगोंग लेक जाने के लिए जो परमिट है वो लगभग 420 रुपए की होती है। आप परमिट पहले ले लें या होटल को बोल दें, होटल आपके परमिट की व्यवस्था कर देगा। आप अपनी आईडी आप जमा करा दें और ज़रूर जाएं। यदि आप लेह लद्दाख जाते हैं तो पैंगोंग लेक की यात्रा आप ज़रूर करें। ये पूरी की पूरी यात्रा रोमांच से भरी हुई है और आपको आनंदित कर देगी। पहाड़ों की पवित्रता को बनाए रखिए, और क्योंकि ये बोतल पानी आएगी, बारिश होगी तो ये जाम हो जाएगा, नीचे का नदी जाम हो जाएगा, नाला जाम हो जाएगा, और जब भी ये जाम हो जाएगा और पानी पास नहीं होगा घाटी से तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम है, यहाँ लोग कितना मेहनत से काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, हर साल सड़क टूट जाती है ज्यादा बर्फबारी के वजह से। तो प्लीज इस तरीके के बोतल ना फेंकें, आपको लाना ही ये बोतल, तो यूजेबल बोतल लाएं, इस तरीके के बोतल लाएं।